राजधानी देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा रोजाना घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कूड़ा उठाने का शुल्क नहीं देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने महिला समूह से उन भवन स्वामियों की सूची मांगी है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जो लोग कूड़ा उठाने के सामान्य शुल्क को देने में आनाकानी कर रहे हैं, वहाँ पर निगम की टीम भेजकर उन्हें समझाने की कार्रवाई कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वह शुल्क देने के लिए नहीं मानते हैं तो उन पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमारे 47 वार्ड्स में वाटर ग्रेस कंपनी के द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा था। इसमें यूजर चार्ज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें तत्कालीन प्रशासक महोदया के निर्देशों के क्रम में महिला समूहों को वार्ड आवंटित किए गए थे। अभी तक 38 वार्ड आवंटित किए जा चुके हैं महिलाओं के द्वारा। उसमें घर घर जाकर यूजर चार्ज कलेक्शन किया जा रहा है। कुछ वार्ड्स में ऐसा इश्यू आ रहा है कि लोग यूजर चार्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं अथवा अभद्रता की जा रही है, ऐसी कई जगह से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अभी हमारे द्वारा उसमें अपने टीम्स को भेज कर समझाने की कार्रवाई की जा रही है। यदि ये स्थिति जारी रहेगी तो ऐसे हाउस होल्ड्स पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।